ऊर्जा के बीच राजनीति की बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। और अपने होम ग्राउंड पर ही पहला मैच हार गए हैं नरेंद्र। जी हाँ, यही सच है। आखिर नरेंद्र ने थोड़ी सी जो पी ली थी, नशेड़ी नेताजी नरेंद्र के लड़खड़ाते कदम, फिसलती जुबां को पूजा का मिला है सहारा। ऐसे वक्त पर जब उनके अपने लोग ही उन्हें कोस रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आखिर शराबी नरेंद्र ने अपनी महिला वोटर्स को भी शराबी बनाने में कोई कसर जो नहीं छोड़ी है। लेकिन ऐन वक्त पर पूजा ने पहुंचकर न सिर्फ नरेंद्र को संभाला, बल्कि दुनिया के सामने नरेंद्र की अक्ल पर पड़ा चश्मा भी उतार दिया है। वाह पूजा वाह, नरेंद्र को सबके सामने बहस की दे दी चुनौती और नेताजी की बोलती हो गई बंद। जोर का झटका लगा है नरेंद्र को। नरेंद्र यहाँ पे ऋषिकेश शेल्टर फॉर वुमेन के एक गैदरिंग में आए हैं और यहाँ पे वो ऑलरेडी दारू पी के आए हैं, तो पूजा इस बात को जानती है और अब क्योंकि वो उनके अपोजिट खड़ी हुई हैं, तो वो यहाँ पे इन महिलाओं को बताने आई है कि शी इज़ अ बेटर कैंडिडेट और वो आपके लिए, आपके समाज के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, एक बेहतर कैंडिडेट है, तो उसे चुने। नरेंद्र ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, चलो ठीक है इलेक्शन में खड़ी हुई है, वैसे हमेशा ये लगता था कि व्यास खानदान के नाम के ऊपर ही तुम्हें टिकट मिली है, तुम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, और उसे दिखा दिया कि पति से कुछ तो सीखी है ये सारे पैतरे खेल। नरेंद्र को ये लगता है कि ये कारनामा भी पूजा का ही किया था है, पर नरेंद्र के घर का भेदी तो कोई और है जो उसकी ही नैया डुबोने में लगा है। यक्षे को बताया है कि जो उसके भाई है राहुल, उसी ने ये सब बुलाया था और ये जो भी किया रहा है वो सब उसी का। सीरियल पियाल वेला में आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम है। प्यार और पॉलिटिक्स का ये खेल दर्शकों को कितना भाता है ये जल्द ही पता चल जाएगा।